नया विधेयक पारित हुआ है जहां SBC के 5 जातियों को, समाज के लोगों को 1% आरक्षण मिलता था। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक नया विधेयक पारित किया है जहां पर 5% का आरक्षण सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही साथ 200 के 200 विधानसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से ये भी आग्रह किया है कि इस कानून को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जिस प्रकार आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने संविधान के संशोधन के पश्चात सुनिश्चित किया है, उसी तर्ज पर इस कानून को भी संरक्षण मिले और संविधान में संशोधन हो ताकि ये 5% का जो आज आरक्षण विधानसभा राजस्थान ने पारित किया है वो संविधान का संशोधन हो सके दिल्ली में भी। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सदन के सभी सदस्यों का, तमाम दलों का, निर्दलीय विधायकों ने, सबने मिलकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। ये प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब जनता की बात आती है, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका से अलग हटकर आज जो विधानसभा ने आज जो कानून बनाया है उससे मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी और जो बहुत लंबे समय से मांग आई थी समाज की उसको पूरा होने की तरफ आज हमने अपना काम किया है। मैं आग्रह करता हूँ सब लोगों से जिन्होंने पिछले कई दिनों से आंदोलन किया कि अब आंदोलन को समाप्त किया जाए और जो छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई थी वो भविष्य में ना हो। आज राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 दिनों से कानून मंत्रालय, कार्मिक विभाग, समाज कल्याण मंत्रालय सबसे सघन विचार विमर्श करने के बाद राजस्थान की कैबिनेट ने कल इसको पारित किया और आज सर्वसम्मति से, जैसा मैंने आपको कहा, राजस्थान की विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। मुझे खुशी है इससे 5% का जो आरक्षण का बहुत पुरानी मांग थी आज उसको लागू किया गया है। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ साथ प्रदेश की सरकार ने जो क्रीमी लेयर थी, जो केंद्र सरकार ने 8 लाख की सीमा रखी है, वो SBC और OBC के लिए उस सीमा को बढ़ा के 2.5 लाख से 8 लाख करने का काम किया है और जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया है उसी को राजस्थान ने भी आज लागू किया है कि 10% के आर्थिक आधार पर अग्रणी समाज के लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। और हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि विधानसभा लोकसभा के अंदर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँ। इसका सर्वसम्मति से आज विधानसभा ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है। ये विधेयक जो पारित हुआ है ये मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर किया है। कांग्रेस की सरकार ने ये विधेयक हम लेकर आए, भाजपा ने हमारा समर्थन किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब संविधान संशोधन के लिए अगर केंद्र सरकार से कहीं मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भाजपा का साथ देगी ताकि संविधान संशोधन हो सके। लेकिन जो विधानसभा और प्रदेश की सरकार के कार्यक्षेत्र में था उन सभी कदमों पर हमने काम किया है और जो मांगें उठाई गई थी संघर्ष समिति के माध्यम से उन सभी मांगों को मान लिया गया है। जो मांग थी कि आरक्षण 5% किया जाए, आज विधानसभा ने सर्वसम्मति से उस आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 5% किया है। मैं समझता हूँ बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमने बहुत विचार विमर्श करने के बाद इसको पारित किया क्योंकि संविधान में संशोधन ऑलरेडी किया गया है दिल्ली से। मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन हो सकता है। बाकी अनेक राज्य हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जहां 50% की सीमा को आगे बढ़ाया गया है और राजस्थान में भी इसको आज में बढ़ाया है। आपने नेता प्रतिपक्ष को भी कोट किया, वो कह रहे थे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा होने। देखिए जब नेता प्रतिपक्ष कुछ भाषण देते हैं तो वो बिल का समर्थन कर रहे हैं लेकिन राजनीति ना करे थोड़ी बहुत ये संभव नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो अपने भाषण में उनको भाजपा, क्योंकि चुनाव बहुत पास है लोकसभा के, तो थोड़ा बहुत तो राजनीतिक भाषण उनको देना था, वो दे सकते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ अब सभी लोगों को, समाज के सभी लोग जो पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे थे, सड़कों को जाम किया था, रेल पटरी पर बैठे थे, बहुत पीड़ा उनको भी हुई और प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब समस्या का समाधान हो चुका है और जो मांग रखी गई थी उसको 100% पूर्णतः आज विधानसभा ने और सरकार ने पारित किया है। इसलिए मैं समझता हूँ सब लोगों को अपना रास्ता साफ कर देना चाहिए, आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए शांतिप्रिय तरीके से, क्योंकि विधानसभा का सत्र चालू था
इस मौके का फायदा उठाकर प्रदेश की सरकार ने इस विधेयक को आज यहाँ पर रखकर पारित करवाया है। आप सेंटर पे कैसे मूव करेंगे? Will you move this bill to the center या will you write to the center? We have already passed a resolution unanimously asking for this legislation to be brought in the 9th schedule of the constitution, and we have also asked the government of India to work on the same track as it worked to get 10% reservation for the economically weaker sections. We have passed a resolution with the consensus of all members that the government of India, if need be, will help us in getting the constitution amended like it did for the 10% reservation for economic weaker sections.